Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of April 2020. So, 9 April 2020 ka news analysis dekhenge. And thoda sa late ho gaya video aaj ka, thoda sa nahi, bahut zyada late ho gaya, but jaisa ki aap sabko pata hai ki we are still working and lockdown ka impact hum forces pe nahi hota hai, so for that reason we are still on duty, and us karan se kabhi kabhi commitments jo rehte hain wo zyada rehte hain and we don't find time enough. So now I'm finding time, so I'm making this video. So let's start the questions first. Pehla question hai, pink bollworm primarily affects which of the following crops? To answer main saath bata dunga. Answer is D, cotton. Cotton will be the answer. Pink bollworm naam ka ek jo effect karta hai sabse adhik, wo cotton crops ko affect karta hai. दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू FATF. FATF मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज फॉर्मड इन 1989 विद द ऑब्जेक्टिव टू कर्ब टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स टेकन बाय द कंट्री. चलो आपको सोचने का समय देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था, रिविजन हो जाएगा. कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. दूसरा कह रहा है इट वॉज फॉर्म्ड इन 1989 विद ऑब्जेक्टिव टू कर्व टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स टेकन बाय द कंट्रीज. तो इसका आंसर होगा वन ओनली, केवल एक. दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि मैंने इसमें देखो बहुत अच्छे से यहाँ लिखा है कि 1989 में बना था, बिल्कुल सही, 1989 में बना था, और FATF बना था G7 के कारण. तो G7 के कारण हुआ था, एंड कर्व टेररिस्ट फाइनेंसिंग. तो यहाँ पे लिखा है कि जब ये 1989 में बना था तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्व करने के लिए बना था, तो ये गलत है. जब ये बना था तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बना था. जो टेरर फाइनेंसिंग वाला एस्पेक्ट था वो 2001 में जुड़ा है, ठीक है ना? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि जब ये बना था तब ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बना था. तो वन ओनली विल बी द आंसर. तीसरा क्वेश्चन है किहोतो होलोहन केस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स. तो किहोतो होलोहन केस किससे एसोसिएटेड है? तो ये आपको अपने आप बनना चाहिए, लेकिन इसका आंसर है 10th शेड्यूल, 10वें शेड्यूल से रिलेटेड है. अब आपके लिए क्वेश्चन एक ये है कि ये जो चार शेड्यूल लिखे हैं, 10th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 8th एंड 6th, ये किससे किससे रिलेटेड हैं ये आप मुझे बताइएगा. ये किससे किससे रिलेटेड हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, बिना देखे बताइएगा, दैट विल बी बेटर. 10th, 4th, 8th एंड 6th शेड्यूल किससे किससे रिलेटेड है, ठीक है ना? और 6th शेड्यूल में कौन-कौन से स्टेट्स हैं ये अगर आप बता सकें तो दैट विल बी ग्रेट फ्रॉम योर साइड. जिनको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, PT365 के बेसिस पे जो हमने बनाया है वो ले सकते हैं. साइंस एंड टेक एंड डिफेंस एक साथ हम रिलीज़ कर रहे हैं, आज शाम में रिलीज होएगा. दैट विल बी द ब्रिलियंट बुक, साइंस एंड टेक प्लस डिफेंस के रूप में, उसमें दोनों रहेगा, साइंस एंड टेक भी रहेगा और डिफेंस भी रहेगा. तो आप उसको ले सकते हैं, वो PDF आज अभी एक घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना? मैप ऑफ द डे देख लेते हैं. आज जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है कावेरी रिवर सिस्टम का. तो कावेरी रिवर सिस्टम डिस्कस करते हैं, एंड कावेरी रिवर सिस्टम जो ओरिजिन होता है इसका वो ब्रह्मगिरी रेंजेस पे होता है. ठीक है, कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी रेंजेस से इसका ओरिजिन होता है, एंड वहाँ पे विलेज है कोडागु, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहाँ से इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी से. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक में है हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती. याद रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती. तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे देखते हैं, मान लो कोई नदी ऐसे बह रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन में बह रही है, अब इस डायरेक्शन में बहते रहते अगर इसको कोई नदी लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट ये रहेगा, इस नदी का लेफ्ट, और इसका राइट ये रहेगा. तो अगर कोई नदी इसको लेफ्ट से जुड़ रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और अगर कोई नदी राइट साइड से जुड़ रही है तो राइट बैंक है. वहीं उल्टा होगा अगर कोई नदी ऐसे बह रही है, तो अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से कोई नदी जुड़ेगी तो लेफ्ट बैंक होगा, यहाँ से जुड़ेगी तो राइट. तो हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो से देखते हैं, ठीक है ना? तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, फिर से रिपीट करता हूँ, हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती. राइट बैंक में है लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती, ठीक है ना? अब ये मैप आपको शो कर देता हूँ. तो ये आपको मैप दिख रहा होगा कावेरी का. तो आप देखो, जैसे यहाँ पे जो इसका रूट है, जो पाथ ये फॉलो करता है, वो इस तरीके का पाथ फॉलो करती है कावेरी नदी. तो इस तरह का पाथ है. तो अब यहाँ से जो नदियाँ जुड़ेंगी इस साइड से, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये जो राइट साइड से जुड़ेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. तो लेफ्ट बैंक में आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखो ये जो नदी है ये हरंगी नदी है, हरंगी दिख रही है, ठीक है ना? फिर आपको ये अर्कावती दिख रहा होगा,
फिर यहाँ पे बीच में हेमवती, ये हेमवती डैम भी इस पे बना हुआ है, और जो ऊपर एक और डैम आपको दिख रहा होगा कृष्णा राजा सागर, ओके, कृष्णा राजा सागर डैम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कुछ नदियाँ हैं कृष्णा राजा जो कावेरी पे हैं, हेमवती, हरंगी और ये अर्कावती। ये अर्कावती भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ही है। तो नीचे मैंने आपको देखो लिखा हुआ था हरंगी, हेमवती, शिमशा और अर्कावती, ये चार नदियाँ हैं जो इनको लेफ्ट से जोड़ती हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से कहलाती है। राइट बैंक में अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण तीर्थ, ये लक्ष्मण तीर्थ एक रिवर है, ये पूछ सकते हैं कबनी पूछ सकता है, तो कबनी भी एक देखो नदी यहाँ जाता है, फिर ये भवानी नदी यहाँ से आती है, सुवर्णवती, ये देखो सुवर्णवती, ये नदी सुवर्णवती लिखा हुआ है, नोयल एक नदी दिखी है और ये अमरावती नदी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो नदियाँ हैं ये आपके राइट से जुड़ रहे हैं, इसलिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें आप जरूर दिमाग में रखिएगा, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज अपने आप में एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता ही पूछता है, और कावेरी हमेशा डिस्प्यूट में रहती है कावेरी, तो उससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये था पूरा मैप, अगली न्यूज़ में आते हैं। देखो पहला जो न्यूज़ है वो है NGO कैन बाय FCI ग्रेन्स टू प्रोवाइड कुक्ड फूड। अब यहाँ पे FCI न्यूज़ में है बेसिकली, COVID-19 से लड़ने के लिए FCI ने कहा है कि NGO जो है वो FCI से ग्रेन्स खरीद सकते हैं ताकि वो कुक्ड फूड प्रोवाइड कर दें। तो FCI के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दो। FCI जो है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कैसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन की गई है और ऑर्गेनाइज की जाती है। देन इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? किसी एक्ट के थ्रू आता है, ठीक है ना। एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके जो टॉप ऑफिशियल हैं वो डिजिग्नेट होते हैं एज चेयरमैन। बना था ये 1965 में, जब इसका बना था तब इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था, ओके। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो इसका पहले हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था, एंड लेटर ऑन दिस हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो चेयरमैन होता है वो इसका टॉप ऑफिशियल होता है। सेटअप हुआ था 1965 में, इनिशियल हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में था, लेटर ऑन इसका हेडक्वार्टर मूव कर दिया गया था न्यू दिल्ली में, और इसके कुछ रीजनल सेंटर्स भी हैं। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो चीज़ बताई वो। अब एक्ट कौन सा था? तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट था 1964 का। क्यों मैंने बोला एक्ट था? क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी न किसी स्टैट्यूट के अंदर बनी होगी। तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का एक्ट था, उसके थ्रू ये बॉडी बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। इनिशियल हेडक्वार्टर चेन्नई था, बाद में न्यू दिल्ली मूव कर दिया गया। इसका सेटअप किया गया था 1965 में, जिसका टॉप ऑफिशियल होता है वो चेयरमैन होता है, ठीक है ना। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी आर्मी वर्म अटैक्स एड्स टू असम फार्मर्स वोस। तो असम के फार्मर्स ऑलरेडी परेशान चल रहे थे बहुत सारे कारणों से, उसमें जो आर्मी वर्म का अटैक है, आर्मी वर्म क्या होता है? कैटरपिलर होता है, मतलब कि जो लार्वल स्टेज होती है मॉथ्स की, उस स्टेज में रहता है, आर्मी वर्म अटैक करता है, और लगभग 50 से 60 अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स है जिनके ऊपर ये अटैक कर सकता है। तो आर्मी वर्म काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अटैक करता है जो असम रीजन है। तो आर्मी वर्म अगर आपसे कोई पूछे कि एक टर्म है किससे एसोसिएटेड है, तो नाम इसमें आर्मी वर्म लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि आर्मी का कोई टर्म होगा। याद रखना कि ये एक पेस्ट है, कैटरपिलर है, जो कि अटैक करता है और क्रॉप्स को ख़राब कर देता है, ठीक है ना। 80 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को ये फीड कर सकता है, 80 से ज़्यादा स्पीशीज है जिन पर ये फीड करता है। रीजंस क्या क्या हैं जो असम के फार्मर्स से परेशान क्यों होते हैं? मेनी फार्मर्स हैव बीन अनेबल टू हार्वेस्ट ड्यू टू लॉकडाउन। जो पहला रीज़न है परेशानी का वो ये है कि लॉकडाउन के कारण लेबर्स मिल नहीं रहे, तो जो हार्वेस्टिंग वाला चीज़ है, जो कटाई वाली चीज़ है, वो हो नहीं पा रही है। दूसरा रीज़न है द वेदर हैज़ बीन अफेक्टेड टू। वेदर के कारण जो ये अटैक है पेस्ट का, आर्मी वर्म जो कैटरपिलर्स है उनका अटैक, वेदर के कारण भी इतना ज़्यादा चेंज, फ्लक्चुएटिंग वेदर है, उस कारण से भी हो रहा है। तीसरा जो रीज़न है वो है टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई नाउ एंड द आर्मी वर्म कैन कॉज मोर डैमेज इफ देर इज़ नो रेन। तो अगर और बारिश नहीं होती तो आर्मी वर्म और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड जो न्यूज है वो ये था IRDAI परमिट्स इंश्योरर्स टू गेट 3 months मोराटोरियम ऑन टर्म लोन्स। तो IRDAI ने परमिट किया है इंश्योरर्स को कि उनको 3 months का मोराटोरियम ऑन टर्म लोन्स दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जा रहा है? बेसिकली COVID-19 कारण आप सबको पता है कि लोगों को जो पैसे थे वो मिलने बंद हो गए, तो अब जो प्रीमियम्स में है उसमें 3 months का मोराटोरियम लोन्स में IRDAI ने दिया है। तो IRDAI के बारे में देखते हैं, मेन चीज यहां IRDAI है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सकता है। तो IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि बना था IRDA एक्ट 1999 से। ओके, तो IRDA एक्ट है 1999 का, उसके थ्रू ये बना था। ऑटोनॉमस बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंश्योरेंस सेक्टर। जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना इसका काम होता है। स्टेट्यूटरी बॉडी है, किससे बनी है? IRDA एक्ट 1999 से बनी है, ठीक है ना। अब IRDA जो बना था वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, जिसको बोलते हैं मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट थी 1994 की, उसके रिकमेंडेशंस पे IRDAI को बनाया गया था। तो मल्होत्रा कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो इनिशियली IRDA वॉज सेटअप एज एन ऑटोनॉमस बॉडी हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। तो पहले जब ये सेटअप हुई थी तो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह सेटअप हुई थी इन न्यू दिल्ली। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद तेलंगाना में, 2001 में शिफ्ट किया गया। तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया 2001 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ IRDAI। तो इसके जो चेयरमैन है और जो दूसरे मेंबर्स हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अगर कोई पूछे कि कौन अपॉइंट करता है IRDAI के मेंबर्स को और उनको चेयरमैन को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंश्योरेंस कैसा सब्जेक्ट है, तो ये याद रखिएगा, इंश्योरेंस इज लिस्टेड एज अ यूनियन सब्जेक्ट। तो यूनियन लिस्ट में है और ये लिस्ट जो है वो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आती है। तो जो सेवन्थ शेड्यूल है वो बताता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपका जो इंश्योरेंस है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये भी याद रखेगा। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट टाइप में आ सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि IRDAI से रिलेटेड थे। अगली जो बॉडी आज न्यूज़ में थी वो थी NBWL। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों न्यूज़ में थी। तो इसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, तो NBWL बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है ना। तो NBWL एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई गई है। थ्योरेटिकली द बोर्ड इज एडवाइजरी इन नेचर, जैसे एडवाइजरी नेचर रहता है, मतलब रिकमेंडेशन देता है, एडवाइस देता है इन नेचर, एंड एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। तो कंट्री में वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग NBWL जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वो रिकमेंडेशन देता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज इट सर्व्स एज एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं उनको ये रिव्यू करने का काम करता है, इसलिए एपेक्स बॉडी है फॉर रिव्यूइंग ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि द स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको कि हेड करते हैं आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर, वो इसकी मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ओके, तो अभी रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग की गई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो इस कारण से ये न्यूज़ में थी। एडिटोरियल ऑफ द डे में आज जो न्यूज़ है वो है इट्स टाइम फॉर रेड बैरेट्स। ओके, तो रेड बैरेट्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी सेंट्रल थीम देख लेते हैं। सेंट्रल थीम इस आर्टिकल की ये है कि वर्ल्ड नीड्स अ स्पेशल यूएन फोर्स टू फाइट COVID-19। COVID-19 से लड़ने के लिए हमको स्पेशल फोर्स की जरूरत है जो कि लड़े। WHO इज नॉट इक्विप्ड टू फाइट दिस पैंडेमिक, ऐसा वर्ड जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है ऑथर के अकॉर्डिंग, WHO जो है वो बिल्कुल इक्विप्ड नहीं है टू फाइट दिस पैंडेमिक। ओके, केवल एक UN बॉडी जो कि स्पेशली ट्रेंड है फॉर फाइटिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस, वो एक बॉडी थी अभी तक, वो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो पीस कीपिंग फोर्स है, UN पीस कीपिंग फोर्स अपन बोलते हैं जिसको, तो वो अभी तक दूसरे मैटर्स के लिए थी। उसी तरीके की कोई बॉडी हमको चाहिए जो कि इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन, जो आपकी एपिडेमिक या पैंडेमिक लेवल पर लड़ने के कारण काम करे, उसकी तरह की हमको एक बॉडी चाहिए। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि UN ने कोई ज़्यादा बड़ा काम किया नहीं है। सबसे पहले तो UN को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए और UN को बेसिकली कोई नई चीज़ जो ये चीज़ें हैं, तो दे शुड पुट टुगेदर फोर्स। ये देखो, पुट टुगेदर फोर्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर। तो UN चार्टर के चैप्टर 7 में फोर्सेस का निर्माण किया जाता है। तो चैप्टर 7 याद रखना, UN फोर्सेस का अगर निर्माण करना है तो चैप्टर 7 के अंतर्गत जो UN चार्टर है उसके चैप्टर 7 में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि UPSC प्रिंस पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। UNSC हैज फेल्ड टू डिसाइड ऑन COVID-19 टिल नाउ। अभी तक UNSC जो है उसने फेल किया है डिटरमाइन करने के लिए COVID-19 के बेसिस पे, मतलब कि COVID-19 के केस में इट हैज फेल्ड टू डिसाइड एनीथिंग। तो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप विल बी टू पास अ रेजोल्यूशन, टू टेक एक्शन टू एंड द क्राइसिस एंड ऑथराइज द सेक्रेटरी जनरल टू रिक्वेस्ट मेंबर स्टेट्स टू मेक अ पर्सनल अवेलेबल। सबसे पहली बात तो उनको रेजोल्यूशन लेना चाहिए टू टेक इमीडिएट एक्शंस टू एंड द क्राइसिस, दूसरा उनको पर्सनल्स अवेलेबल कराने चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा ये है कि जो UN पीस कीपिंग फोर्स है उनको ब्लू बैरेट्स कहा जाता है। UN पीस कीपिंग फोर्सेस को ब्लू बैरेट्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द
द कलर ऑफ द कैप दे वियर. ओके, तो बैरेट कैप होती है, बैरेट कैप होती है, अगर आप फोर्सेस में जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की कैप होती है. एक होती है बैरेट कैप, जैसे आपने ब्लू कलर की कैप देखी है जो इस तरह के शेप में रहती है, जिसका एक तरफ फॉल रहता है, जो इस तरह की कैप रहती है जिसका फॉल एक तरफ रहता है, जिस इस तरह से फॉल आता है इसका, तो वो आपकी बैरेट कैप कहलाती है. यहाँ पे मोनो लगा रहता है, ठीक है ना. और दूसरी कैप आती है जो इस तरीके की कैप आती है, जो मतलब जिसको आप जो आपने मूवीज़ में देखी होगी बेसिकली, आपने उसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ, उसको बोलते हैं पीक कैप बोलते हैं. ओके, तो पीक कैप बोलते हैं. एक दूसरी होती है बैरेट कैप. तो बैरेट कैप जो होते हैं उसका कलर ब्लू है, इसके लिए UNP स्केपिंग फोर्सेस को ब्लू बैरेट कहा जाता है. जो हेल्थ फोर्सेस बनेंगे, तो ऑथर ने सजेशन दिया है कि हो सकता है मे बी दे विल वियर अ रेड कलर कैप एंड देयरफॉर दे कैन बी कॉल्ड रेड बैरेट्स. इसीलिए जो आर्टिकल का नाम था वो था रेड बैरेट्स. ये देखो, इट्स टाइम फॉर रेड बैरेट्स, मतलब कि एक ऐसी स्पेशल फोर्स जो कि इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन लड़ने का काम करे, और रेड बैरेट. ब्लू बैरेट क्यों? ब्लू बैरेट ऑलरेडी है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को ब्लू बैरेट कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा. अगला जो एडिटोरियल है वो है नीडेड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब ये जो आर्टिकल है इसकी सेंट्रल थीम ये है कि चीफ मिनिस्टर्स वांट टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट देयर पावर्स आर लिमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो उनकी पावर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट कर देती है. ऑल दे नीड इज ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, उनको ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है. अब ऑथर का ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे काम किए, they have taken the position of leadership also, but repeatedly their efforts are being throttled by the limitations of the federal arrangement. जो federal arrangement है अपना, वो इस तरीके से है कि center ज़्यादा powerful है, states कम powerful है, इस कारण से उनके जो प्रयास होते हैं वो कई बार limited रह जाते हैं. अब तीन specific limitations है जो author ने कहा है. पहला, inability of states to access funds and thereby structure their own welfare package. अब उनके पास ज़्यादा fund नहीं रहता, इस कारण से वो अपना खुद का welfare package नहीं बना पाते हैं. दूसरा, the curves imposed by public finance management system that is mired in officialdom. अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे बोला कि आपको फिजिकल डेफिसिट इतना रखना है, आपको पैसे नहीं लेने, आप ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, तो स्टेट्स क्या है स्विफ्टली पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं. इस कारण से बहुत सारी चीज़ें से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना है, वेंटिलेटर्स बनाने हैं, वो खुद से नहीं कर सकते. थर्ड है कोलोसल डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन. जो सप्लाई चेन अगर वो डिसरप्ट हो जाती है तो स्टेट्स की बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि ट्रेड पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो सब रुक जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अगर आप देखें तो 7 शेड्यूल बताता है कि क्या लिस्ट में कौन क्या काम करेगा. स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है ना. यूनियन गवर्नमेंट इज टास्क्ड विद द मैटर्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के रहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, एयरवेज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स के पास अच्छे मैटर नहीं है. पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये सारे स्टेट के मैटर है, स्टेट लिस्ट के मैटर है. तो ऑथर ने कहा है कि उनका काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसे में चाहिए कि आपको उनको और ज्यादा ऑफिशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए और ज्यादा उनको फाइनेंसिस देने चाहिए. अब स्टेट्स एंड मैटर ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ऑथर का कहना है कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट्स का टोटल टैक्स रेवेन्यू 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया जाएगा, सो दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा लोगों को. लेकिन अगर आप ये सिर्फ थ्योरी थी, प्रैक्टिस में अगर आप देखो तो स्टेट्स को जितना उनके फिर उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन हुआ और जो एक्सपेंडिचर ये था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये सब करना पड़ा, ये देखते हुए बाद में पता चला कि उनके पास तो कम पैसा बच रहा है. तो ये जो चीज़ें हैं. दूसरी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया ये बोल करके इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा ये, लेकिन स्टेट्स का अगर आप कंडीशन देखें तो उनको सबको नुकसान हुआ है, तो ये भी अच्छा नहीं हुआ. तो एक जो फाइनेंस की कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना. तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर, ये भी ऑथर ने इसमें बताया. तीसरा जो आर्टिकल था वो था की आर्सेनल इन रूरल इंडियाज पैंडेमिक फाइट. मतलब कि ये रूरल इंडिया का क्या यूज़ कर सकते थे, जिसको कि पैंडेमिक फाइट में यूज़ कर सकते थे. तो ऑथर ने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं. फर्स्ट, अ मॉडल नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड विद कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन बी रेप्लिकेटेड थ्रू आउट द रूरल इंडिया. सबसे पहले ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि एक मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि आप रूरल इंडिया के लिए लगा सको, जिसको कि एक प्रैक्टिस में, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में ला सको. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया, जैसे कि प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन, यानी कि प्रधान करके एक ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज बीन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इन मेनी स्टेट्स एवर सिंस द पेंडेमिक. मतलब पेंडेमिक जब से ये हुआ है COVID-19, तो ये प्रधान करके जो प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन है वो ट्राई कर रहा है कि स्टेट, मतलब कि जो ग्राम पंचायत है उनको अवेयर किया जाए, उनका यूज किया जाए, उनका एंगेजमेंट बढ़ाया जाए. बेसिकली इस पूरे आर्टिकल की थीम ये थी कि ग्राम पंचायत का काफी ज्यादा रोल बढ़ सकता है. जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन है, वो माइग्रेंट पॉपुलेशन होम टाउन में जाएगी, ग्राम पंचायत में जाएगी, तो ग्राम पंचायत को अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं तो जो रूरल इंडिया में ये पॉपुलेशन आ रही है इसको आइसोलेट करने में मदद मिलेगी, इसको एक तरह से क्वारंटीन करने में मदद. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए जो ऑथर ने बोला है. दूसरा, ऑथर ने यह कहा है कि
अभी क्या है कि बेसिकली जैसे लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स आए, तो उन्होंने ऑथर ने कहा कि पंचायत दे हैं दे कैन वर्क इफेक्टिवली टू कन्फाइन पीपल विद इन देयर होम्स। सबसे पहली बात कि पंचायत ही एक ऐसी चीज़ है जो रूरल इंडिया में लोगों को उनके घरों में इफेक्टिवली कन्फाइन करने का काम कर सकती हैं, तो ये ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है। तीसरा, कम्युनिटी पुलिसिंग विद द एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ पंचायत्स बाय कोलैबोरेटिंग विद वुमेन कलेक्टिव्स। मतलब कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग का काम भी कर सकते हैं इफ़ यू आर इंगेजिंग विद द पंचायत्स। तो यहाँ पंचायत्स का यूज़ बताया गया है COVID-19 से या ऐसे कोई पैंडेमिक से लड़ने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ याद रखें। कम्युनिटी पुलिसिंग वाला काम मैंने आपको बताया। दूसरा, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन को लिमिट करने का, कन्फाइन करने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल पैकेज, अगर आप उनको थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन दे दो, फाइनेंस में थोड़ा उनको फाइनेंसिस में भी आप फ्री हैंड दे दो, उनको दे दो, तो काफ़ी कुछ अच्छा काम भी वो कर सकते हैं फॉर द रूरल पॉपुलेशन, काफ़ी अच्छा काम वो कर सकते हैं। देर हैव बिन इनफ आइडियाज फ्लोटेड प्रपोज एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फूड टू यूजिंग रेलवे कोचेज एज आइसोलेशन बोर्ड, बट इनविगोरेटिंग द पंचायत इज एन अनअटेंडेड एरिया। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि आपने रेलवेज को इन सबको तो आइसोलेशन वार्ड बना दिया, लेकिन आप पंचायत को क्यों पावर नहीं दे रहे हो? पंचायत जबकि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम पंचायत के लिए 14th फाइनेंस कमीशन तक ने कहा है कि वो चाहे तो विलेजर्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप उनको थोड़ा फाइनेंसेस दोगे तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑथर ने यहाँ पे पंचायत का महत्व बताया। सो दिस वर द 3 आर्टिकल्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए। फॉर बेटर यूज जो है कि MPLATS स्कीम पे है, कि जो MPLATS स्कीम का जो फंडिंग है वो 5 करोड़ का फंडिंग होता था, उसको भी अगले 2 साल के लिए बंद किया जा रहा है। तो ऑथर ने कहा यह बहुत सही चीज है। MPLATS स्कीम के बारे में 2-3 चीज ऑथर ने बोली है। कई बार ऐसा देखा गया कि जो फंड उनको मिलते हैं या तो वो सही से इंप्लीमेंट नहीं होते, या अगर होते हैं तो उनका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो या तो वेस्टेज होता है या तो अनयूज्ड रह जाते हैं, या तो अनयूज्ड रह जाएंगे या वेस्ट हो जाएगा। तो ऑथर ने 2 चीजें बताई। दूसरी चीज ऑथर ने यहां पे बताया कि जैसे बहुत सारे लोगों ने तो चलो फंड का यूज़ किया, N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वेंटिलेटर सब में उनका यूज़ करने के लिए किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला है कि बहुत सारे लेजिस्लेटर क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अपने आप को आगे दिखाने के लिए, मतलब उसको पॉलिटिकल मोटिव फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए जब वो उसका यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको उनके फंड्स को यूज़ करने में। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि कैग ने रिकमेंड किया है, कैग ने कई बार ये बोला है कि कई जो MPLATS का फंड है उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है, प्लस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, सेकंड ARC ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि अपने आप ये जो MPLATS स्कीम है, MPLATS स्कीम आपकी 1993 की स्कीम है, कोई आज की स्कीम नहीं है, 1993 की स्कीम है, तो इसको बंद करने का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।